सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स आरडी शर्मा की, जिसके चैप्टर 27 स्ट्रेट लाइन इन स्पेस की बात हो रही है, 3D की बात हो रही है, जिसके एक्सरसाइज 27.1 के क्वेश्चंस की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन कह रहा है कि अ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट विद द पोजिशन वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k, वो सब में कैप लगा हुआ, i कैप j कैप बोल नहीं रहे, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ 3i प्लस 4j माइनस 5k, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। देखो 3D को हमने कहा था कि बहुत 3 डायमेंशन सोचना पड़ता है, ये तो डायरेक्ट है, कोई मतलब नहीं है। पहले तो गिवन के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने एक वेक्टर, एक पॉइंट का पोजिशन वेक्टर दिया है, ठीक है ना। अब लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट, यानी पोजिशन वेक्टर ऑफ ए मान लेते हैं, जिसको कि स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दिया गया है आपका 2 माइनस 3 4 2 माइनस 3 4 4, और एक वेक्टर दिया गया है बी, ये दिया गया है आपका 3 4 माइनस 5 3 4 माइनस 5, और आपसे कहा गया है कि वेक्टर इक्वेशन निकालिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी। अब आप कहेंगे पैरेलल तो नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर इज ए एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब लाइन उस डायरेक्शन में है। तो जब उस वेक्टर के डायरेक्शन में है तो भैया कहने की क्या जरूरत है कि उसके पैरेलल है। तो क्या इक्वेशन होती है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी होता है। आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, ए बोले तो 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, यह आएगा 3i प्लस 4j माइनस 5k, हो गया आंसर। इसी फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसी फॉर्म में छोड़ेंगे, दिक्कत वाली बात होगी तो होगी, जिसके लिए होगी, आपको प्रूफ नहीं करना उसमें। अब कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए, तो हमसे ये तो कहा नहीं कि कार्टेशियन में वेक्टर से निकालिए, लेकिन जब सब कुछ वेक्टर में दिया है तो उसी से कार्टेशियन निकालेंगे हम। तो कार्टेशियन के हमने क्या कहा था, कार्टेशियन के लिए निकालने के लिए हमारा आंसर एक्स वाई जेड में होना चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आई जे के गायब हो जाना चाहिए, तो एक्स वाई जेड में तो यहां कहीं है नहीं। तो आर होता है पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, और किसी भी लाइन पर जो एनी पॉइंट माना जाता है वो एक्स वाई जेड में माना जाता है। तो आर को क्या लिखेंगे, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 4j माइनस 5k। अब लैम्डा वाले टर्म को छोड़ दो, इस सब को उधर ट्रांसफर करो, और जो उसके पड़ोसी हो उनके साथ उसको लिख दो, जो जिसका दोस्त हो। तो i का दोस्त i के पास आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 2 आई कैप प्लस ये माइनस का 3j प्लस का 3 हो जाएगा, तो पाई प्लस 3 जे कैप प्लस का 4k माइनस का हो जाएगा, तो जेड माइनस 4 के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 4j माइनस 5k। अब दोनों तरफ के कोफिशियंट्स को इक्वेट कर दिया जाए, किसके कोफिशियंट को, आई जे के कहीं और क्या है, इक्वेटिंग द कोफिशियंट्स द कोफिशियंट्स ऑफ आई जे एंड के ऑन बोथ द साइड। आई के साथ यहां कौन है, एक्स माइनस टू, वहां कौन है आई के साथ, अंदर ले जाओ इसको, 3 लैम्डा। तो यानी कि जब लैम्डा को अकेला करोगे तो आएगा एक्स माइनस टू अपॉन 3 बराबर लैम्डा, y प्लस 3 उधर j के साथ कौन है 4 लैम्डा, 4 को इधर ले आओ, तो y प्लस 3 अपॉन 4 बराबर लैम्डा,
और जब जेड को करोगे तो आएगा जेड माइनस फोर अपॉन माइनस फाइव बराबर लैम्डा। सो तीनों को अगर एक साथ लिखेंगे तो होगा एक्स माइनस टू अपॉन थ्री बराबर वाई प्लस थ्री अपॉन फोर बराबर जेड माइनस फोर अपॉन माइनस फाइव। हो गया, बराबर लैम्डा लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। एक बार आंसर को टैली कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका है x माइनस टू बाई थ्री वाई प्लस थ्री बाई फोर। सर एक चीज और समझ लीजिएगा जो गलती आपके के चांसेस हैं। अगर 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 ये तो आंसर हो गया, अगर ये थ्री होता, ये सिक्स होता, ये नाइन होता, होता ऐसा होता तो आप क्या कर सकते थे? तो आपको कॉमन वेक्टर से, कॉमन नंबर से इसको डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो थ्री से आप नीचे डिवाइड करोगे तो आपका एक्स माइनस टू अपॉन वन इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू जेड माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री हो जाता। पहली बात, अगर यहां पर तीन में से दो निगेटिव होते तो आप निगेटिव भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये निगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव होता, तो ऐसे आंसर चेंज हो सकते। तो उसमें आंसर आपका सही है, लेकिन चूंकि ये इक्वल टू में है, इक्वल में है, तो कॉमन नंबर से इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसलिए ये आंसर कभी कभी टैली नहीं करता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।